समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। सदी का वक्त हम भारतीयों के लिए काफी मुश्किलों से भरा हुआ था और अंग्रेजों का भी जुल्म काफी बढ़ गया था, लेकिन उसी दौरान हमारे काफी सारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए काफी बहादुरी भरे कारनामे किए थे और उन्हीं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने बिना डरे ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध का पैगाम सुना दिया था और इसलिए उन्हें 19वीं सेंचुरी की रिवॉल्यूशनरी क्वीन भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल 1857 से लेकर 1858 तक अवध की बेगम रही। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 में उन्होंने एक लीडिंग रोल भी प्ले किया था। जब नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में मौत के घाट उतार दिया गया तब लखनऊ में उनके साथ उनका बेटा प्रिंस बिरजिस कदर था, जो अब ही छोटा था और राज सिंहासन संभालने के लायक नहीं था। तब हजरत महल ने खुद अवध की राजगद्दी को संभाला। बेगम हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी खानुम था और उनके परिवार ने उन्हें बेच दिया था और उसके बाद उन्हें फिर से रॉयल एजेंट्स को बेचा गया और उन्हें अवध के आखिरी ताजेदार अवध वाजिद अली शाह ने अपनाया और अपनी छोटी बेगम बनाया। और जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब उन्हें हजरत महल का नाम दिया गया। जब इस रिबेलियन के दौरान ब्रिटिशर्स ने लखनऊ पर हमला किया तब उन्होंने अपनी सारी सेना को लीड किया और राजा जलाल सिंह के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने मिलकर लखनऊ को अपने कंट्रोल में किया। बेगम हजरत महल की अंग्रेजों से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उन्होंने मंदिर और मस्जिदों को हटाकर उसकी जगह बड़ी सड़कें बनवाई और वो बेगुनाह लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इस रिबेल के अंत में अंग्रेजों को सामने कहा था कि उन्हें लोगों से उनका धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत महल ने नाना साहेब के साथ मिलकर काम किया लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हुए हमले में फैजाबाद के मौलवी के साथ शामिल हो गई और जब अंग्रेजों ने फिर से लखनऊ और अवध पर कब्जा कर लिया तो वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई और नेपाल भाग गई थी। उनकी मदद मांगने और रिबेल के आबाद अंग्रेजों ने जो सौदा करना चाहा उससे भी वो सहमत नहीं थी और इसलिए अंग्रेजों ने उन पर ब्रिटिश हिंदुस्तान में आने पर रोक लगा दी और उन्हें नेपाल में ही रहना पड़ा और उन्होंने वही अपना दम तोड़ा। ऐसी ही एक बहादुर और साहसी रानी की कहानी बाहुबली 3 में दिखाई जाने वाली है। तो क्या लगता है आपको, कैसी होगी ये मूवी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।